Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT virtual classroom. Today we will continue our previous poem, that is Amanda, written by Robin Klein. तो जैसे कि बच्चों हमने पढ़ा था पहले भी कि अमंडा जो है मेन करेक्टर है इस पोएम का, और उसको जो है जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं ना बच्चों, आप लोगों को भी पसंद नहीं होगा किसी चीज में टोकना, ये काम मत करो, वो मत करो, जोर से मत बोलो, सिट प्रॉपरली, डोंट गो देयर, तो डोंट बाइट योर नेल्स. तो बच्चों को लगता है कि अरे हमें टोक रहे हैं, परंतु ये एक, क्योंकि हम लोग एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें लगता है कि ये, क्योंकि पेरेंट्स को क्या लगता है, यही हमारी क्या बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी. और फिर जब हम बड़ों में एक सोसाइटी में बैठेंगे तो वो कहेंगे अरे तुमने इसको ऐसे मैनर्स नहीं सिखाए हैं. तो बच्चों को जब पेरेंट्स इसके लिए जो है स्ट्रिक्टनेस करते हैं या उनको टोकते हैं, डोंट डू दैट, डोंट डू दिस, तो उन्हें क्या लगता है, बुरा लगता है. तो यहाँ पे अमंडा जो है एक लड़की है जिसको उसकी मदर जो है बोलती है बार बार जो है डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट गो देयर, सिट प्रॉपरली, तो उसे जो है बुरा लगता है. तो इसी को जो है पोएट ने जो है किस तरह से जो है पोएम के थ्रू जो है बताने की कोशिश करी है, तो उसी को अभी हम जो है पढ़ते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों क्लास 10th इंग्लिश की पोएम है अमंडा, राइट. तो यहाँ पे इस पोएम का जो मेन करेक्टर है वो कौन है, अमंडा. तो जैसे अमंडा को क्या है, एवरी चाइल्ड, ये अमंडा की ही बात नहीं है बच्चों, एवरी चाइल्ड क्या फील करता है, एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही और शी कंट्रोल्ड इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर. होता है ना कि ये मत करो, वो मत करो, तो बच्चों को क्या है ये पसंद नहीं आता है. तो जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं या हम कंट्रोल करके करने की कोशिश करते हैं, तो ये सारे बच्चों की है कहानी घर घर की है कि किसी को पसंद नहीं आता, राइट. तो यहाँ पे अमंडा की बात करी है कि अबाउट, अब यहाँ पे जो है पहले हम अबाउट द पोएट पढ़ लेते हैं कि पोएट के बारे में. और वैसे हमने एक बारी पहले डिस्कस करी है अमंडा पोएम. रॉबिन मैकमॉग क्लेन इज एन ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन ऑथर ऑफ बुक्स फॉर चिल्ड्रन, मतलब वो बच्चों की बुक्स लिखते हैं. शी राइट्स चिल्ड्रन, बच्चों की एंड यंग एडल्ट फिक्शन. सम ऑफ हर फेमस बुक्स आर हिटिंग एलिसन एशले, पीपल माइट हियर यू एक्सेट्रा. इंट्रोडक्शन क्या है कि रॉबिन क्लेन हैज एक्सप्रेस द व्यूज ऑफ ए लिटिल चाइल्ड, एक लड़की की बात करी है अमंडा, हु इज कॉन्स्टेंटली पॉइंटेड आउट. मदर जो है उसको हमेशा हर गलती के लिए जो है पॉइंट आउट करती है. कई बार हम लोग तो ऐसे करते हैं ना कि थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं कि बच्चा अपने आप जो है थोड़ा सा सीख जाए, परंतु यहाँ पे जो अमंडा की बात कर रहे हैं तो कि अमंडा की जो मदर है कॉन्स्टेंटली पॉइंटेड आउट बाय हर मदर फॉर मेकिंग मिस्टेक्स, अमंडा को जो है उसकी गलतियों के लिए हमेशा जो है पॉइंट आउट करती है. मिस्टेक्स विच शी कंसिडर सो एज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कोड ऑफ गुड कंडक्ट लेड आउट बाय द सोसाइटी इन विच वी लिव. अब कुछ गलतियां ऐसी होती है ना जो हमारी जो है सोसाइटी ने कुछ जो है बना के रखते हैं ना, रूल्स और नॉर्म्स बनाते हैं, तो उसमें जो है उसके लिए जो है वो उसको कंटिन्यूसली जो है क्या करती है, टोकती रहती है. तो ये हमने कुछ जो है पहले पढ़ा हुआ है, उसी को एक बारी में रिवाइज कर देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा माइंड. अब जैसे पहले वाले पैरा में मैंने आपको बताया था डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमंडा, और ये सारे मीनिंग्स जो है मैंने पहले आपको बताए हैं, इसलिए आज मैं रिपीट नहीं करूंगी, एक सिंपली रिविजन दे रही हूँ. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप जो है स्ट्रेट अमंडा. अब जो है जब वो बार बार उसको टोकती है तो सडनली उसके माइंड में एक थॉट आता है, क्योंकि उसे पसंद नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं है. और जब वो उसकी मदर जो है हर बात में सोचती रहती है, तो होता है ना बच्चों अगर हमें कोई टोकता है या वो करता है और हमें अच्छा नहीं लगता तो हमारा माइंड जो है वेंटर करना शुरू कर जाता. तो ऐसे उसकी माइंड में भी थॉट आता है कि अगर मैं जो हूँ मरमेड होती, ठीक है, और एमेराल्ड सी, मतलब एक ग्रीन वास्ट सी में जो है मैं फ्रीली घूमती रहती और वहां की इनहेबिटेंट होती, अकेली होती, मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली हैप्पीली जो है उसमें मूव करती. तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा, ये मैं पहले भी बताया है. द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अमंडा, अ लिटिल गर्ल हु इज
ऑलवेज, यहाँ पे मेन करेक्टर मैंने पहले भी बताया आपको कौन है, अमंजा, ऑलवेज पॉइंटेड आउट बाय हर मदर फॉर हर मिस्टेक्स एंड हाउ शी इमेजिन्स हर लाइफ टू बी, द पोएट सेज दैट द मदर इज पॉइंटिंग आउट अमंजा फॉर बाइटिंग नेल्स. पहले तो उन्होंने बाइटिंग नेल्स के लिए बोला, विच इज अ बैड हैबिट, क्योंकि अगर हम चार लोगों के बीच में बैठे और हम नए नेल्स को बाइट करते रहेंगे तो इट इज नॉट ए गुड हैबिट. नेक्स्ट शी आस्क्ड हर टू सिट स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग हर शोल्डर्स. अब कई बार होता है ना, हम कंधे झुका के बैठ जाते हैं, अब चार लोगों के बीच में कंधे झुका के बैठेंगे तो वो भी जो है वर्थ लगता है, तो वो जो है उनको बोलते हैं कि शोल्डर्स को जो है बेंड करके मत बैठो बैठो. अमंडा हु हैज हैबिट ऑफ बेंडिंग हर शोल्डर्स सिटिंग लेजीली इज बीइंग पॉइंटेड आउट बिकॉज हर मदर वॉन्ट्स हर टू सिट इन द राइट पोस्चर. At this point of time, when she is being scolded by her mother, तो वो imagine करने लगती है, कल्पना करने लगती है herself to be in a deep green sea, कि मैं एक deep green sea में हूँ, और she says that she wants to be the only resident of this beautiful green sea, कि मैं अकेली जो है इसकी जो है रहने वाली हूँ. She imagines herself like a mermaid, और वो इमेजिन करती है अपने आप को एक जो है जल परी की तरह, मरमेड, जिसका जो है लोअर पार्ट जो होता है किसकी तरह होता है, फिश की तरह होता है. हु इज अलोन देयर एंड लीड्स हर लाइफ इन अ वेरी रिलैक्स, और वो वहां पे जो है काफी रिलैक्स फील कर रही है और एंजॉय कर रही है. शी सेज दैट शी वॉन्ट्स टू बी कैरीड अवे बाय द करेंट ऑफ वॉटर एंड फील द रिलैक्सिंग एनवायरमेंट देयर, और वो वहाँ पे बहुत खुश है और रिलैक्स फील कर रही है कि अकेली इतने बड़े जो है वास्ट सी में जो है वो क्या कर रही है, रिलैक्स कर रही है. तो ये हमने पहले पढ़ा था, दिस इज द सिंपल एक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन दिया. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा, दैट इज डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंजा. अब जैसे आप लोगों को भी बोलते हैं, मदर पेरेंट्स बोलते हैं, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंजा, डिड यू टिडी योर रूम, क्या तुमने अपना रूम जो है ठीक कर लिया अमंजा. I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अब जब उसकी मदर जो है उसको जो है इंस्ट्रक्शन दे रखी थी, पहले जो है उसके मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करी थी, इन द सेकेंड स्टेंजा जब वो इंस्ट्रक्शन दे रही थी तो एट दैट टाइम शी imagines, क्या इमेजिन कर रही थी, कि अगर वो ऑर्फन मीन्स जिनके पेरेंट्स नहीं होते उनको बोलते हैं हम ऑर्फन, रोमिंग द स्ट्रीट I patterns of dust. अब होता है ना कि सड़क में अगर हम स्ट्रीट में गलियों में घूम रहे हैं, डस्ट पड़ी है, तो उसमें क्या होते हैं डिफरेंट, हम अपने शूज से या हाथ से जो है पैटर्न्स बनाते हैं, राइट. द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा. हियर द पोएट सेज दैट द अमंजा'स मदर इज इंक्वायरिंग हर अबाउट. अब वो जो है पूरे जो है इंक्वायरी कर रही है कि क्या इसने होमवर्क कराए. आप लोगों को भी जब होमवर्क नहीं करते तो मदर बोलती है ना, डिड यू फिनिश योर वर्क, बोलती है कि नहीं बोलती है. तो इसी तरह से वो भी बोलते हैं कि तुमने जो है अपना काम कर लिया है, हैज डन हर वर्क और नॉट. देन शी आस्क्ड हर वेदर शी हैज क्लीन हर रूम और नॉट. मोर ओवर शी इज ऑल्सो रिमाइंडेड टू क्लीन हर शूज. So here we can see that the mother is constantly asking. अब लगातार जो है क्वेश्चन पूछते रहेंगे एक के बाद, होता है ना फायर हो जाते हैं कई बार पेरेंट्स, एक के बाद गुस्सा करते हैं, क्वेश्चन बोलने शुरू कर देते हैं. तो सिमिलरली जो अमंजा की मदर थी, एक के बाद एक जो है कॉन्टिन्यूसली जो है उससे क्वेश्चन पूछ रही है कि हैव यू डन योर वर्क, हैव यू क्लीन योर रूम, इस तरह से जो है बार बार, तो उसको जो है अच्छा नहीं लगता है. But on the other hand, while Amanda is listening to her mother's instructions, अब उसी समय क्या कहती, again she imagines, फिर वो सोचने लगती है कि herself to be an orphan, कि अगर मैं orphan होती, मेरे parents, अब उन्हें ये नहीं पता कि behind that की क्या problems आती है अगर कोई orphan child होता है, उससे पूछो कि क्या problems face करता है, तो वो इमेजिन करती, बस वो ये देखती है कि ये नहीं देखती कि उसके consequences क्या है, results क्या है बाद में, तो बस उसको ये लगता है कि अरे मेरे को टोक रहे हैं बस, ठीक है सिंपली. तो वो इमेजिन करती कि अगर वो ऑर्फिन होती, हु इज रोमिंग इन द स्ट्रीट्स, तो वो क्या करती, स्ट्रीट्स में गलियों में घूमती. दिस मीन्स दैट शी इमेजिन इफ शी वुड हैव बीन विदाउट पेरेंट्स, शी वुड हैव वॉक्ड फ्रीली इन द स्ट्रीट, शी वुड हैव ड्रॉन डिजाइंस ऑन द सॉफ्ट डस्ट
जो है मिट्टी में, जो धूल में जो है डिफरेंट पैटर्न्स बनाती विद हर अनकवर्ड, अनकवर्ड मीन्स बेयर फीट, वेरी क्वाइटली, सो वी कैन से दैट शी थिंक्स अपोजिट टू हर मदर. इसका मतलब क्या है कि उसकी मदर तो कह रही तुम अच्छे कपड़े पहनो, क्लीन करो, रूम क्लीन करो, राइट, शूज को पॉलिश करो. और ऑन द अदर हैंड वो उसके अपोजिट सोच रही है, ठीक है. एंड व्हाट वाज दैट, हर मदर वांट्स हर टू कीप एवरीथिंग नीट एंड क्लीन, बट अमंडा वांट्स टू प्ले इन डस्ट विद हर बेयर फीट. मोर ओवर शी इज सो फेड अप ऑफ दीज कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हर मदर दैट शी सेज साइलेंस इज गोल्डन, विच मीन्स दैट साइलेंस इज वेरी क्रूशियल एंड प्रीशियस. She further says that freedom is sweet. This means she never feels free when she is with her mother. अब वो क्या सोचती है कि जब तक वो अपनी मदर के साथ रहेगी तब तक वो फ्री नहीं रह सकती. उसको जो है इंस्ट्रक्शंस मिलते रहेंगे या अपनी गलतियों के लिए पॉइंट आउट होती रहेगी. स्टैंडर्ड थर्ड, अब जो है आप लोग भी जब बहुत ज्यादा चॉकलेट खाते हैं और दांतों में जो है थोड़ा सा स्ट्रेन होता है, पेन होता है, तो फिर क्या होता है कि पेन क्या बोलते हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा. या कभी पिंपल्स आ जाते हैं, एक्ने हो जाता है फेस में, तो भी पेरेंट्स कहते हैं ज्यादा मीठा मत खाओ, डोंट ईट मोर चॉकलेट. तो सबके साथ होता है, सबके पेरेंट्स कहते हैं, परंतु अमंडा को जो है ये चीजें भी जो है वो डिसलाइक करती थी. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember you, your acne, Amanda. कि तुम्हें याद नहीं है अपने pimples के लिए. Will you please look at me when I am speaking to you? कई बार बच्चे क्या करते हैं, जब मदर बोलती है तो जब मदर या पेरेंट्स कोई भी बात करता है तो बच्चे इधर उधर देखना शुरू कर देते. तो सिमिलरली अमंडा को उसकी मदर कहती है कि जब मैं तुमसे बात करती हूँ, वाइल आई एम टॉकिंग टू यू, तो तुम जो है मेरी तरफ देखो. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? तो जब उसकी मदर जो है ये बातें बोलती हैं उसको, डोंट ईट द चॉकलेट, तो एट द सेम टाइम वो इमेजिन करती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, रैपुंजल जो है एक परी की कहानी है, जैसे हम टेल्स में पढ़ते रहते हैं कि किस तरह से एक जो है राक्षस जो है एक परी को जो है कैद करता है एक टावर पे, और किस तरह से वो अपने बालों को जो है टावर से नीचे जो है कर देती है. तो ये इस जो है सबने पढ़ा होगा रैपुंजल की फेरी जो है यहाँ पे करेक्टर है, जो रैपुंजल जो है फेरी करेक्टर है, उसी से तुलना करी है इन्होंने. तो यहाँ पे बोलते हैं नेक्स्ट अमंडास, तो वो कहते हैं आई एम रैपुंजल, तो एट द सेम टाइम फिर से वो बोलती है. तो तीन बार उसने क्या क्या सोचा है, एक बार सोचा कि अगर मैं जो हूँ क्या होती मोमेड होती, सेकेंड टाइम उसने सोचा कि अगर मैं ऑर्फन चाइल्ड होता, ऑर्फेन होती, थर्ड टाइम उसने कहा अगर मैं रैपुंजल होती. आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रियर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. ट्रैंक्विल का मतलब मैंने पहले भी बताया था आपको, पीसफुल, शांति, शांति से रहती, ठीक है, और कोई जो है वहां पे टोकता नहीं. तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट, अमंडास मदर इज डिसअलाउइंग हर टू ईट चॉकलेट्स, शी रिमाइंड्स हर ऑफ पिंपल्स. क्यों बोल रही थी वो कि तुम चॉकलेट मत खाओ, क्योंकि उसको पहले पिंपल्स आए थे, दैट अमंडा फेसेस ड्यू टू ईटिंग मोर चॉकलेट. एस एट लास्ट शी स्कोर्स हर नॉट प्लेइंग अटेंशन. अब सेकेंड टाइम वो जो है उसको क्यों डांटती है, क्योंकि वो अटेंशन नहीं दे रही है. For not paying attention to what her mother says, कि उसकी मदर क्या कहती है. At this time, Amanda imagines herself to be Rapunzel. Rapunzel was a character of a fairy tale, जैसे भी मैंने बताया था, just I told you, fairy tale, that was captured in tower, जिसको जो है captured कर लेता है एक witch, जो है कहाँ पे tower में पकड़ के वहाँ पे capture कर. The witch used to climb the tower with the help of long hair of Rapunzel. अब जो विच है वो क्या करता है, उसको पकड़ के रखता है और कोशिश करता है टू क्लाइम द टावर विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग हेयर ऑफ रैपुंजल, और जो उसके लंबे बालों की हेल्प से उसको जो है ऊपर क्लाइम करने की कोशिश करता है. दैट वाज लेट डाउन, और जो उसने नीचे विंडो से करे हुए थे. सो नाउ अमंडा वॉन्ट्स टू बी रैपुंजल, अब वो जो है रैपुंजल बनना चाहती है अमंडा, बिकॉज शी फील्स दैट. अब क्यों बनना चाहती है,
क्यों कैद होके रहना चाहती है, वो कैप्चर्ड होके इन द टावर, बिकॉज शी फील्स दैट लाइफ इन द टावर विल बी पीसफुल एंड अनयूजुअल. उसे लगता है कि टावर के ऊपर जो है कोई रोकेगा नहीं, कोई टोके ना, पीसफुल जिंदगी जो है शांतिपूर्वक जो है वो वहां पे रह सकती है, ठीक है, और कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा उसको वहां पे, और एक आनंद पूर्वक जो है पीसफुल जो है वो एंजॉय वहां पे जो है एंजॉय करेगी. शी थिंक्स शी विल बी फ्री एंड लिव इन अ पीसफुल एनवायरमेंट इन द टावर. शी ऑल्सो कन्फर्म्स टू हर सेल्फ दैट शी विल नेवर लेट हर हेयर डाउन. और ये भी कन्फर्म करती है कि अपने जो है बाल वो जो है नीचे को जो है नहीं लेट डाउन करेगी. क्यों? जिससे कि क्या है, विल नेवर लेट हर हेयर डाउन टू एनीवन सो दैट नोबडी वुड कम टू हर इन द टावर. जैसे हम फेरी टेल में पढ़ते हैं कि रेपंजल के बालों को पकड़ के जो है किस तरह से विच जो है क्लाइम करती है टावर में, तो वो जो है कहती है कि मैं जो हूँ कभी भी अपने बालों को जो है नेवर लेट माय हेयर डाउन. क्यों डाउन? जिससे कि एनीवन सो दैट नोबडी कुड कम टू हर इन द टावर, जिससे कोई भी जो है ऊपर नहीं आ सके. तो थ्री स्टेजेस में ये कवर हो गया आपका. लेट्स गो टू थर्ड वन, फोर्थ वन. अब यहाँ पे बोलते हैं डोंट स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमंडा. एनीवन वुड यू थिंक दैट आई नैग एट यू अमंडा. अब यहाँ पे बोलते हैं स्टॉप सल्किंग. सल्किंग का मतलब होता है उदास. एट वंस अमंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमंडा, कि तुम हमेशा जो है अपने मूड के अकॉर्डिंग, पता है ना बच्चों का मूड होता है, अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं. तो ये वो कहती है कि ये जो है जो तुम्हारे तुमने अपना सल्किंग जो फेस बनाया है, उदासीनता का जो फेस बनाया है, इसको छोड़ो अमंडा. और तुम जो है सदैव कैसी रहती हो, कैसी रहती हो, मूडी उदासीन रहती हो और मूडी रहती हो. और वो कह रही है कि एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, और कोई भी जो है टू टीज, नैग्ड मींस टू टीज, कि लोग क्या सोचेंगे कि इसकी मम्मी जो है हमेशा इसको क्या करती है, टोकती रहती है, डांटती रहती है और छोटी छोटी जो है गलतियां निकालती रहती है. तो उसकी मदर कहती है प्लीज कि तुम जो है इस तरह से जो है उदासीन जो है सल्किंग फेस मत करो और जो है तुम खुश रहो. और लोग क्या सोचेंगे कि छोटी छोटी बातों में इसकी मदर जो है टोकती रहती है. हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्ट्रेंजर. अमंडास मदर नाउ वॉन्ट्स हर फॉर बिहेविंग इन अ ऑड मैनर. शी आस्क्स हर टू स्टॉप बीइंग इन अ बैड मूड. मोर ओवर शी ब्लेम्स हर ऑफ हैविंग सच एन अनस्टेबल मूड. शी ऑल्सो स्कोल्ड्स हर बाय सेइंग दैट हर बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर है, विल वन डे मेक पीपल, कि मतलब इस तरह से बिहेव करोगी तो लोग क्या कहेंगे. होता है ना अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो उनके क्या होते हैं कि बोलते हैं ना कि अरे लोग क्या कहेंगे, कि लिए अपने बच्चों को जो है सुबह से शाम तक छोटी छोटी गलतियों में डांटते हैं. तो उन्हें लगता है, तो वो कहती है शी ऑल्सो स्कोल्ड्स हर बाय सेइंग दैट हर बिहेवियर विल वन डे मेक पीपल थिंक दैट अमंडा वॉज कॉन्स्टेंटली बींग हैरेस बाय हर मदर. कि मदर जो है उसको 24 घंटे जो है हैरेस करती है, परेशान करती है. सो हियर वी कैन से दैट दो अमंडा इज ऑलवेज पॉइंटेड आउट बाय हर मदर ओनली एवरी स्मॉल थिंग, बट शी कांट रिएक्ट टू दिस. इफ शी रिएक्ट टूवर्ड्स दिस बाय गेटिंग इमोशनल, हर मदर टेक्स दिस अगेंस्ट हर सेंस ऑफ प्राइड एंड स्कोर्स हर दैट शी शुड नॉट बिहेव लाइक दिस. As others would think that Amanda's mother is always dominating towards her child. कि मतलब तुम ऐसा बिहेव करो कि ऐसा ना लगे कि लोग कहें कि तुम्हारी जो मदर है तुम्हारे ऊपर जो है डोमिनेट करती है, कि तुम्हें 24 घंटे डांटती रहती हैं, टोकती रहती हैं. तो वो कहती है इस तरह से तुम उदास मत बैठो, खुश रहो, अपने मूड के अकॉर्डिंग नहीं चलो, कि लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं जो हूँ तुम्हें क्या कर रही हूँ, स्कोल्ड कर रही हूँ. So this is all about the poem. Now come to the summary of this poem. Or this is now the summary. जिसकी समझ में नहीं आया तो here is the summary of the poem.
और वैसे तो आप इट इज वेरी इजी कि फर्स्ट टाइम जो है जब उसकी मम्मी जो है डांटती है, क्योंकि ये जो है आप लोगों भी जो है इस टाइप की जो है एक्टिविटीज घर में करते रहते हैं, कभी नेल्स बाइट करते हैं, कभी उकड़ू करके बैठे रहते हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया था कि किस तरह से जो पेरेंट्स जो है हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, तो इस तरह की बैड हैबिट्स को जो है अगर हम टोकेंगे नहीं, पेरेंट्स टोकेंगे नहीं, तो क्या होगा, आपकी जो है ये हैबिट बन जाएगी, बड़े होके भी आप वैसे ही करेंगे। परंतु कॉन्टिन्यूअसली टोकना भी जो है इट इज नॉट गुड, कि ये है कि टाइम टू टाइम जो है हमें बच्चों को टोकना भी चाहिए। नाउ हियर इज द समरी ऑफ दिस पोयम। द पोयम डिस्क्राइब्स, अ पोएट ने क्या करा है यहाँ पे, एक गर्ल की बात करी है। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था आपको कि मेन करेक्टर इज अमंडा। द पोयम डिस्क्राइब्स अ गर्ल नेम्ड अमंडा एंड हर मदर हु इज नैगिंग हर, जो उसको जो थोड़ा सा स्कोल्ड करती है फॉर हर मिस्टेक्स, छोटी छोटी गलतियों के लिए भी जो है उसको क्या करती है, पॉइंट आउट करती है या टीज करती है, स्कोल्ड करती है, राइट? शी इज फर्स्ट पॉइंटेड आउट। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट्स बता रही हूँ उसको नोट करके रखना, क्योंकि आगे क्वेश्चंस के जो आंसर्स में आपको यही देना, पॉइंटेड आउट मोस्ट प्रोबेबली बाय हर मदर फॉर बाइटिंग हर नेल्स। सबसे पहले उसको किस बात के लिए टोका था, बाइटिंग हर नेल्स, एंड नॉट फॉर सिटिंग इन द राइट पोस्चर, मतलब सही तरीके से वो नहीं बैठी थी तो उसको। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन आता है बच्चों कि हाउ डिड यू थिंक अमंडा इज, हाउ डू यू नो दिस, कि अमन क्या सोचते हो कि अमंडा जो है कितने वर्ष की होगी, आप कैसे जानते हैं? तो इसका आंसर जो है ये भी हो सकता है, मे बी दिस आंसर इज राइट, या आपको जो लगता है वो लिखें। और तो यहाँ पे पूछा है हाउ ओल्ड डू यू थिंक, तुमसे पूछा है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना। अमंडा इज ए स्कूल गोइंग गर्ल, ये सबको पता चल गया कि स्कूल स्कूल गोइंग गर्ल है। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि हु मस्ट बी अबाउट 9 to 10 years old, 9-10 साल की लड़की हो सकती है। द थिंग्स दैट हर मदर स्कोल्स हर फॉर आर ऑल टिपिकल इंस्ट्रक्शंस गिवन टू ए 9 or 10 years old, क्योंकि आप लोग भी अगर 9-10 साल के बच्चे जब आप रहे होंगे, या अभी कितने साल के होंगे आप लोग, 11-12 साल के, तो मदर जो है किस तरह से 9-10 साल के बच्चे को या 11 साल के बच्चे को किस तरह से टोकती रहती है, वही एक्टिविटीज जो यहाँ पे भी दिखाई है कि नाइट नेल्स बाइट करना, राइट पोस्चर में नहीं बैठना, ठीक है? तो द मदर ऑल्सो फील्स दैट अमंडा सिट्स इन अ वेरी लेजी मैनर। टू दिस अमंडा इमेजिन, अब जो है जब उसकी मदर इसको टोकती है तो फर्स्ट टाइम वो क्या इमेजिन करती है, हर सेल्फ एज ए मरमेड हु लिव्स अ काम एंड रिलैक्सिंग लाइफ, क्योंकि उसको शांत और रिलैक्सिंग लाइफ इन अ ब्यूटिफुल ग्रीन सी। शी सेज दैट शी वुड हैव एंजॉयड हर फ्रीडम। अब उसे लगता है कि वो अपने फ्रीडम, क्योंकि पूरी स्टोरी में यही पता चला कि उसे क्या चाहिए, फ्रीडम पसंद है, राइट? अब पूरी पोयम में क्या लगता है आपको, अभी जो मैंने पढ़ाया आपको, सेकंड क्वेश्चन है हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर, आपको क्या लगता है कौन उससे बात कर रहा है? तो सिंपल सा आंसर का आंसर है, वेरी सिंपल, हर मदर इज स्पीकिंग टू हर, टू अमंडा, राइट? फर्दर शी नेक्ड, शी इज नेक्ड फॉर नॉट क्लीनिंग हर रूम एंड शूज एंड ऑल्सो फॉर नॉट डूइंग हर होमवर्क। सेकेंड टाइम उसको किस बात में डांट पड़ती है, क्लीनिंग हर रूम एंड शूज और होमवर्क के लिए, कि वेदर शी डिड द होमवर्क और नॉट, यस शी फिनिश्ड हर होमवर्क और नॉट, राइट? शी देन इमेजिन हरसेल्फ, अब सेकेंड टाइम क्या इमेजिन करती है, टू बी एन ऑर्फन, बिकॉज शी इज नाउ फेड अप ऑफ बीइंग वॉच्ड बाय हर पेरेंट कॉन्टिन्यूअसली। शी सेज दैट शी वुड हैव एंजॉयड हर फ्रीडम देन बाय मेकिंग द पैटर्न्स ऑफ हर बेयर फीट ऑन द सैंड डस्ट वुड लिव इन अ लिव अ पीसफुल लाइफ। तो सेकेंड टाइम क्या है, ऑफर बनना चाहती है कि गलियों में जो है वो नंगे पैर घूम। नेक्स्ट अमंडा इज स्कोल्डेड फॉर ईटिंग टू मच चॉकलेट। थर्ड टाइम जो है उसको किस बात पे उसकी मदर स्कोल्ड करती है,
चॉकलेट्स खाने के लिए, टू मच चॉकलेट्स, क्योंकि उसको किसकी प्रॉब्लम थी, पिंपल्स की. शी इज ऑल्सो स्कोल्डेड फॉर नॉट लिसनिंग टू हर मदर. और सेकेंड टाइम जो है किसके लिए टोकती है साइड बाई साइड उसको, क्योंकि वो जो है अटेंशन नहीं दे रही थी उसकी मदर को. सो नाउ अब जो है वो किसके लिए क्या सोचती है कि नाउ अमंडा थिंक्स ऑफ एन रैपंजल, अ करेक्टर फ्रॉम ए फेरी टेल, एंड वॉन्ट्स टू लिव इन अ ह्यूज टावर लाइक हर. अब क्योंकि क्यों सोचती है वो रैपंजल, क्योंकि रैपंजल क्या है, उसको एक विच ने जो है टावर में जो है कैप्चर्ड करके रखा है. शी विल बी अलोन एंड विल लिव अ पीसफुल लाइफ एंड विल नेवर अलाउ एनीवन टू कम इन. और वो कहती है कि मैं जो हूँ अपने बालों को भी नीचे नहीं छोड़ूंगी, नेवर लेट हर हेयर डाउन टू फ्रॉम द विंडो. फाइनली द मदर आस्क्स हर टू स्टॉप बीइंग मूडी. अब जो है मदर भी जो है नोटिस कर रही थी कि ये जो मैं बोल रही हूँ उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, तो फाइनली वो उनको बोलते हैं स्टॉप बीइंग मूडी कि तुम मूड जो है, जो होता है ना बच्चे मूडी होते हैं, अरे मम्मी बोल रही है तो बोल रही है, कभी समझ में आया तो काम कर लिया. तो मदर कहते हैं कि तुम जो है अपना मूड जो है चेंज करो. शी डजंट वॉन्ट एनी वन टू ब्लेम हर फॉर हैरेसिंग हर डॉटर. At this time, the poet has not written any reaction from Amanda. इस समय जो है अमंडा ने कोई रिएक्शन नहीं किया, क्योंकि उसे लग रहा था कि चुप रहने में ही जो है फायदा है या चुप ही रहना ठीक है. This constant nagging has made her so sad. और इस वजह से बार बार स्कोल्ड करना, डांटना, टोकना, पॉइंट आउट करना, ये इंस्ट्रक्शन देना उसको जो है बहुत दुखी हो जाती है. She has even stopped to imagine, और अब जो है उसने सोचना भी बंद कर दिया herself as someone else. She used to do so in order to escape from the continuous. अब उसे लगता था कि इन चीजों से कैसे बचाया जाए, continuous harassment and dominance of her parent. तो finally जो है उसने जो है जब उसकी mother जो है उन्होंने जो है scold करना, सोचना जो है बंद कर दिया था, right? तो सिंपल से क्वेश्चन से ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एग्जाम्स में भी आते हैं. एक दूसरे बच्चों कैसे आते हैं, एक स्टैंजा दिया रहेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो आपको जो है उनके आंसर्स लिखने हैं. कोई क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है. इट इज अ वेरी सिंपल पोएम और पोएम में से एक कॉम्प्रिहेंशन और 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर आते हैं, राइट. इज अमंडा इज एन ऑर्फन, तो इसका आंसर आएगा नो, क्योंकि वो ऑर्फन नहीं था, क्योंकि उसकी मदर जो है उसको टाइम टू टाइम क्या करती थी, स्कोल्ड करती थी या पॉइंट आउट. तो बच्चों अभी हमने जो है पोएम पढ़ी है अमंडा, राइट. तो अमंडा पढ़ी है, रॉबिन क्लिन की लिखी है. और किस तरह से जो है बच्चों जो है, कोई भी बच्चे होते हैं वो लाइक नहीं करते हैं कि कोई उनको पॉइंट आउट करे उनकी मिस्टेक्स के लिए, क्योंकि बच्चों को लगता है कि हम सही हैं, राइट. तो उनको जब उनके पेरेंट्स जो हैं पॉइंट आउट करते हैं उनकी मिस्टेक्स के लिए, या इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये करो वो करो, या तुमने काम कर लिया है, या हैव यू क्लीन योर रूम, या हैव यू डन योर वर्क, तो उनको जो है अच्छा नहीं लगता. और वो जो है इमेजिन करना करने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं कि अगर मैं ये, क्योंकि उन्हें फ्रीडम चाहिए. तो इसी को जो है पोएट ने जो है बताया गया है कि किस तरह से उसको जो है पसंद नहीं था, और फाइनली जो है जिस तरह से उसकी मम्मी कहती है कि अपने मूड को जो है तो क्या करो, इस तरह से मत बैठो कि लोग जो है मुझे ब्लेम ना करें कि अपनी लड़की को किस तरह से परेशान कर दे. तो फाइनली वो स्टॉप कर देती है और इमेजिन करना छोड़ देती है. तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम. अगर आप लोगों को कोई भी जो है डाउट है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.